नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नौटियाल एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको न्यूमैटिक्स क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूमैटिक का आविष्कार सैमुअल इंगरसोल ने 1871 में किया था। ये एक ऐसी प्रणाली है जो ऊर्जा को संचालित और नियंत्रित करने के लिए कंप्रेस हवा का उपयोग करती है। न्यूमैटिक का सिद्धांत हाइड्रोलिक के समान ही है, लेकिन न्यूमैटिक ऑयल के बजाय हवा का उपयोग करके शक्ति संचारित करता है। हवा को आमतौर पर एक कंप्रेसर का उपयोग कर रिसीवर टैंक में जमा किया जाता है। रिसीवर टैंक में बड़ी मात्रा में हवा जमा होती है, जिसे ज़रूरत के अनुसार न्यूमैटिक प्रणाली द्वारा उपयोग किया जाता है। हवा को एक रिसीवर टैंक में पंप किया जाता है और कंप्रेस किया जाता है, ज़रूरत अनुसार न्यूमैटिक प्रणाली द्वारा उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। कंप्रेसर के आसपास के क्षेत्र से ली गई हवा गंदगी, धूल और जल वाष्प जैसे दूषित पदार्थ से भरी होती है, जिसे निपटने के लिए हवा को साफ और शुष्क रखने के लिए मजबूत फिल्टर लगाए होते हैं। न्यूमैटिक मशीन को कंप्रेस हवा बनाने, स्टोर करने, नियंत्रित करने, स्थानांतरित करने और उपयोग करने के लिए 5 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। एक कंप्रेसर की जो हवा बनाता है, एक रिसीवर की जो हवा को स्टोर करता है, एक या एक से अधिक वाल्व की जो हवा को नियंत्रित करते हैं, एक सर्किट की जो कंपोनेंट्स के बीच हवा को ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरित करता है, और एक एक्चुएटर या मोटर की। न्यूमैटिक प्रणाली कंप्रेस हवा का उपयोग करके मैकेनिकल गति और शक्ति अनुप्रयोगों को बनाने के लिए करती है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोन्यूमैटिक सिस्टम की। इलेक्ट्रोन्यूमैटिक सिस्टम में कंप्रेस एयर को नियंत्रित करने के लिए विद्युतीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे सोलेनोइड कॉइल, लिमिट स्विच, वॉल्व और रिले। ये कुछ ऐसे तंत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है। एक विशिष्ट इलेक्ट्रोन्यूमैटिक सेटअप में विद्युत शक्ति को एक दिशात्मक नियंत्रण वाल्व पर लागू किया जाता है, जिसे कि हम डायरेक्शनल वाल्व कहते हैं।